ठीक है सर, तो मैं आपको शराब देख ली मुझे। और मेरा नाम लोकेश होता है, ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर जो अभी जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लगेज लिस्ट है, परफेक्ट लगेज लिस्ट। तो मैं चाहे तो ये जो मैंने बनाया है ना पीडीएफ, वो आपको भी दे सकता था शायद, ठीक है, बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आपको जैसे मैंने लिखा है ना, आपको समझ में नहीं आता, कुछ कुछ चीजें जो है एक्सप्लेन करनी पड़ती है ना, तो इसलिए मैं कुछ वीडियो बनानी पड़ी। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी बन गई होगी, लेकिन काम की है, लगा के छोड़ देना, ठीक है, और ट्राई करना की लिस्ट बना लो। और कुछ दिन में ही, और अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं थोड़ी अच्छी लिस्ट बना के डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे जिसने मेरे को फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो कर लो, और यहाँ इंस्टाग्राम का फोटो आ जाएगा, तो इधर फॉलो करने का। ये वीडियो प्लीज एंड तक देखना, ठीक है। नहीं आपको 40,000 टिकट का बोला गया, और 4,000 ठीक है, रिजनेबल प्राइस है, कंट्रोल। और क्योंकि आपको दो बैग लेके जाने दे रहे वो लोग, 23 kg ईच बैग, लैपटॉप बैग, और जो आपकी कैबिन लगेज वाली बैग है जो आपके साथ हमेशा रहेगी, जो आप प्लेन के अंदर अपने हाथ में लेके जाओगे और उसको ऊपर डालोगे, ठीक है, उन दोनों का वेट 10 kg होना चाहिए। ट्राई करना कि आप उसके अंदर रहो, क्योंकि अगर आप उससे एक्सीड हो गए तो फिर हमारे जैसा हो जाएगा, जैसे हमारे साथ पिछली बार हुआ था। हम लोगों ने एग्जैक्ट लगभग 23 kg, 23.5 kg, लगभग 24 kg लेके गए थे, और फिर वहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे हम लोग पूरा, मेरा पूरा पसीना छूट गया था, क्योंकि मैं सामान यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहा था, तो प्रॉब्लम हो गई थी। तो लैपटॉप बैग जो आपके कंधे पे रहेगी, उसमें क्या होना चाहिए, इफ यू हैव अ लैपटॉप, आपका लैपटॉप उस बैग में होना चाहिए। उसके बाद में पावर बैंक जो भी आपका होगा, चार्जर होना चाहिए, वॉलेट जिसमें आपके कार्ड्स होंगे, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, ठीक है, वो आपका होना चाहिए उसमें। आपका पासपोर्ट, पासपोर्ट तो वैसे जब तक आप प्लेन में चढ़ोगे नहीं वैसे आपके हाथ में होता है, क्योंकि आपको दिखाना पड़ता है, और आपका पासपोर्ट का काम हो गया, कीप इट इन योर लैपटॉप बैग, आपके लैपटॉप बैग के अंदर तुरंत वो चला जाना चाहिए। नेवर कीप इन योर पॉकेट्स, या मैंने यहाँ रख दिया, वो कर दिया, सबसे ध्यान से पासपोर्ट लेके जाना, अपना काम हो गया, डाल देने का बैग में। डॉक्यूमेंट फोल्डर, जो भी आपका डॉक्यूमेंट फोल्डर आपको बोला गया होगा डॉक्यूमेंट लेने के लिए, जो कि है आपका वीजा, इनविटेशन लेटर का कॉपी, एडमिशन लेटर का कॉपी, आपका 10+12 ओरिजिनल मार्कशीट, ठीक है, ये सब चीजें का एक फोल्डर माना जाना, फोल्डर होता है ना आपके पास में, वो ये ऐसा कुछ, इसमें तो बहुत ज्यादा सामान है वैसे, तो एक ऐसा फोल्डर लेना, उसमें आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डाल देना, और वो आपके लैपटॉप बैग में डाल देना, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है फोटोज, आपको कलर फोटोज लेके जाने हैं, इंडिया से ही निकलवा के, वहाँ फोटोज निकालना थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, तो आपके पास में 15 मैट फोटोज होनी चाहिए और 15 ग्लॉसी फोटोज होनी चाहिए 3.5x3.5 cm की। उस 15 मैट में से कुछ छोटी कुछ बड़ी, 10 मैट वाली, 10 ग्लॉसी वाली बड़ी बड़ी, 5 मैट 5 ग्लॉसी छोटी छोटी, मतलब इन टोटल आपको लगभग 30 फोटोज हर बच्चे को लेके जाना है। डॉक्यूमेंट्स का आपका आएगा HIV रिपोर्ट, आपके मेडिकल सर्टिफिकेट्स, और आपको कैश आपका जो मिलेगा, आपको कम से कम आपके साथ में $200 to $400 मिनिमम आपको कैश रखना है आपके साथ में, बिकॉज क्योंकि जैसे आप वहाँ पहुंच गए ओरेनबर्ग या रिस्पेक्टिव कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी हो, इफ यू आर अनेबल टू विदड्रॉ कैश फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव ATMs, रिस्पेक्टिव बैंक अगर आपकी नहीं चल रही, तो आपको वहाँ डॉलर काम आएंगे। डॉलर आपने लेके जाने हैं अरमादा में, अरमादा पीछे वाले, वहाँ पे एक्सचेंज का एक ऑफिस बना हुआ है, गिव यू डॉलर्स, आप $100 दीजिए, जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना ही निकालना है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि मैंने 400 के पास तो मैंने 400 पूरे एक्सचेंज करा दिए, ना, आपके पास जो बुक्स रहेंगी ना तो बुक्स के अंदर अपना डाल देने का। डॉलर्स को बहुत केयरफुली रखना है, डॉलर्स को मोड़ना नहीं है, डॉलर को मोड़ना नहीं है, डॉलर जितना ज्यादा अच्छे कंडीशन में रहेगा डॉलर का वैल्यू उतना ज्यादा आपको एक्सचेंज के टाइम मिलेगा। इंटरनेशनल डेबिट कार्ड मैंने बोल दिया, कैबिन लगेज की जो हैंड बैग रहेगी एक छोटी सी बैग, इसका बहुत ज्यादा क्लियर फंड है, ठीक है। तो ये वो फोटो है, ठीक है, तो ऐसा सेक्शन आपको एयरपोर्ट पे मिलेगा, जब आप अपनी बैग क्रॉस चेक कराओगे तो वो लोग आपको बोलेंगे कि आपकी जो कैबिन लगेज वाली बैग है वो आप इसमें डाल के दिखाइए, इट शुड एग्जैक्टली गो इन टू दैट, उसके अंदर आपकी वो बैग जानी चाहिए और इजिली निकलनी चाहिए, तभी आपको वो एज अ कैबिन लगेज अलाउ करेंगे। कि ऐसी थोड़ी सी ऐसी स्क्वीज बैग हो, ऐसी नैरो थोड़ी सी और लंबी चलेगी थोड़ी सी, ज्यादा बड़ी बैग लेके नहीं जानी है। उस बैग में आपका क्या होना चाहिए, एक टॉवल, एक कैरी ऑन एक्स्ट्रा टी शर्ट, एक एक्स्ट्रा पैंट, एक पेयर ऑफ एक्स्ट्रा अंडरगारमेंट्स, वो आपको उस बैग में रखने हैं, ठीक है।
फेस वॉश एक एक्स्ट्रा एम्प्टी बॉटल रखने का जहाँ पानी मिले भर लेने का, और जब आप सेकंड फ्लाइट में बैठोगे आपके रिस्पेक्टिव ओरेनबर्ग या पॉम या मारी या जो भी हो, तब आपने बॉटल फेंक दी है, फिर से आपको एयरपोर्ट ऑफ प्लेन में पानी मिल जाएगा। बुक्स, जो बंदे इस 2 महीने की छुट्टियों में वापस इंडिया फ्लाई नहीं करेंगे वो लोग अपनी सेकेंड ईयर की भी बुक्स लेके जाएंगे। यू हैव टू कैरी योर बायोकेमिस्ट्री बुक, इम्यूनोलॉजी की बुक और माइक्रोबायोलॉजी की बुक लेके जानी है। बस जो आपके साथ कैबिन लगेज होगा, जो लैपटॉप आएगी, लैपटॉप बैग होगी वो आपके साथ रहेगी, तो ये सब सामान जो है वो आपके कैबिन लगेज में रहेगा, बुक्स एंड ऑल जो भी मैंने बताया ऊपर। क्या नहीं लेके जाना है आपको, दाल नहीं रहेगा और रवा नहीं लेने का, नोटबुक्स भी लेने की जरूरत नहीं, बस एक रजिस्टर कैरी करना इन केस कुछ काम पड़ गया, ब्लू डॉट बॉल पेन का एक पैकेट, एक ब्लैक बॉल पेन एक पैकेट, जो भी आपके रिक्वायर्ड पेन्स है वो आपको लेके जानी है, कलर पेंसिल का पैकेट लेके जाना है फॉर योर बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स। चावल भी नहीं लेके जाना है, फालतू वेट कैरी मत करो, मैं अभी आगे सॉरी अभी नहीं, कौन है ये लोग, आगे बहुत सामान है जो अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है और अच्छी खासी वेट आपका खाएगा। कनिक आटा लेके जाना नहीं है, नो नीड, मत करो कैरी। मसूर मिलेगी, मोट जो चना है वो भी मिलेगा, इतनी खुशी, इतनी खुशी, और जो स्प्राउट्स है वो भी मिलेगा, ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा महंगा होगा, लगभग 30-40 रुपए का फर्क होगा। अगर कैरी करना तो स्प्राउट्स जो मोटे मोट बोलते हैं मराठी में, तो आधा केजी मोट कैरी कर लेना। अभी क्या लेके जाना है, मैगी मसाला इस सब भर भर के लेके जाने का है, भर भर के कंट्रोल। तो मैगी मसाला अपनी सहूलियत के साथ लेना, कम से कम 30 पैकेट्स इतने वाले हर बच्चे के पास होनी चाहिए। बेसन लेके जाना है, क्या लेके जाना है, बेसन आपको लेके जाना है 1 kg के ऊपर। पकोड़े खाने का शौक होगा, भजे भजे जो बोलते हैं अपने यहाँ पे, तो बेसन वहां बिल्कुल नहीं मिलेगा, इतना सा भी नहीं मिलेगा बेसन। कुछ पकौड़े खाने हो उसमें बेसन का थोड़ा बनाया अपना पेस्ट टाइप, उसमें डुबाया और तल दिया, ठीक है, वो तो आपको पता ही, आप मेरे से ज्यादा होशियार हो, ठीक है। चिली पाउडर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, खाना बना रहे हो नहीं बना रहे, सभी बनाएंगे कभी ना कभी तो बना लेंगे सब, चिली पाउडर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है। वहाँ चिली पाउडर मिलता है, एक हमने तो मंगाया था एक टाइप का, लेकिन वो उतना खास था नहीं, तो बकवास था। मैं तो बोल रहा हूँ कम से कम एक आदमी के पास में, अगर जो बच्चा वापस आ रहा है, अगर आप 2 महीने छुट्टियों में आओगे तो आधा 1 kg सफिशियंट है, आधा kg बहुत है एक आदमी के लिए, लेकिन अगर आप वापस नहीं आ रहे तो कम से कम 3 kg चिली पाउडर आपके पास होना चाहिए। हल्दी, जीरा, मोरी को पता नहीं क्या बोलते हैं, पेपर बोलते हैं क्या बोलते हैं, खड़े मसाले मम्मी को पूछ लेना, खड़े मसाले का पैकेट ले लेना, धनिया पाउडर, चाट मसाला, जीरा पाउडर, गरम मसाला, मूंग पापड़, हल्दीराम के जो तलने का सामान है ना, क्रोडिया पापड़ चिप्स और हाँ ये सब लेके जाना। सेवई वहाँ मिलती है लेकिन वो उतनी खास होती नहीं है, तो किसी को अगर सेवई खाने की इच्छा हो दूध, क्योंकि सेवई अच्छा ऑप्शन है, उबाल लिया दूध में डाल दिया शक्कर डाल दी खत्म। पोहा लेके जाना, पोहा नहीं मिलेगा, अच्छा पोहा नहीं मिलता। पीनट पता नहीं क्यों लिखा है, पीनट पता नहीं यार, हाँ पिंक शेंगदाने मूंगफली बोलते का, तो शेंगदाने पता ना रेड कलर के होते हैं, शेंगदाने लेके जाना। नमकीन रेडीमेड पैकेट, घर का जोड़ा कैरी कर सकते हो, लेकिन अगर अच्छी पैकिंग हो तो कैरी करना, क्योंकि अगर एक बार उसका हवा लगे तो खराब होने का डर है। घी बोले तो तूप मराठी में, घी 2 kg मैं तो बोल रहा हूँ लेके जाओ, दबा के देखो घी खाओ। अब ये पानी पूरी का पैकेट वगैरह ये सब ऑप्शनल है, तो एक मसाला बॉक्स लेके जाना जिसमें आप थोड़ा हल्दी निकाल लिया, थोड़ा मिर्च निकाल लिया, थोड़ा गरम मसाला, वो एक ऐसा खाली मसाला बॉक्स लेके जाना। एक अच्छी पानी बॉटल लेके जाना जो आप रेगुलर अपने यूनिवर्सिटी कैरी करोगे। केटल मैंने बोला है कि नहीं लेके जाना, केटल वहीं से लेना, अननेसेसरी केटल मत लेके जाओ। अचार मेस जो ज्वाइन कर रहे हो बंदी, उनको अचार कंपलसरी लेके जाना, अच्छा खासा अचार लेके जाओ, मेरे लिए भी लेके आओ। ठेचे के पैकेट आते, ठेचा बोले तो ठेचा अभी मराठी में टीखा टीखा सा होता है ठेचा, तो ठेचे के पैकेट आते, वाराणसी ठेचे के पैकेट, अच्छे खासे पैकेट्स कैरी करो, मतलब बोलो 10-15 पैकेट लेके जाओ, क्योंकि सब्जी वब्जी अच्छी नहीं बनी, अच्छी बनी नहीं मतलब अच्छी बनेगी नहीं। और बात कर मेरे को जानता नहीं, सब्जी अच्छी बनेगी तो ठेचा बहुत इंपॉर्टेंट काम है। छोला मसाला, पाव भाजी मसाला, बिरयानी मसाला, ये सब मसाले बता रहे हो, अगर जो कोई खाने का शौकीन हो, अगर खुद से खाना बनाएगा तो
चिकन मसाला का अच्छे खासे पैकेट लेके जाना। चाय लवर्स कैन टेक देयर फेवरेट चाय पत्ती, जो भी हो, लेबल, ब्लैक गोल्ड, जो भी आते ना, टाटा रेड लेबल, वो सब चाय पत्ती लेके जाना, 1.5 किलो, 1 किलो बहुत है। और साबुदाना, जो व्रत व्रत रखते होंगे, जिनका उपवास उपवास होता है, वो साबुदाना 100% लेके जाना है। नॉर्थ सूप का पैकेट, क्योंकि वो एक अच्छा ऑप्शन होता है, गर्म पानी में नॉर्थ सूप थोड़ा डाल दिया, थोड़ा मसाला डाल दिया, अच्छा पीने लायक ऑप्शन होता है, हेल्दी ऑप्शन, जो थोड़ी यू नो डाइट वाइट वाले बनते हो। कहाँ से आते हैं? राजमा मत लेके आना, राजमा लेके आने की जरूरत नहीं है, राजमा वहाँ मिल जाएगा। बिस्किट्स एज पर चॉइस, अगर आपको कोई फेवरेट बिस्किट्स होंगे तो वो लेके आ सकते हो। सांभर का पैकेट अगर आपको चाहिए, सांभर मसाला का पैकेट, जो सांभर बनाते हैं, इसको रैप करते हैं यहाँ पे। यूटेंसिल्स इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले सबने अपनी अपनी कम से कम 2 प्लेट्स लानी है, एक सादी प्लेट जो खाली प्लेट आती है, और सेकंड प्लेट वो जिसमें पहले से सेक्शंस बने हुए आते हैं। कटोरी, 2 कटोरी, चम्मच, सादा चम्मच अपना लेके जाने का, कांटे वाला चम्मच कोई लाएगा नहीं, कांटे वाला चम्मच कोई लाएगा नहीं, एयरपोर्ट पे रोक देंगे, ठीक है, लक होगा तो बच जाओगे, लक तो कांटे वाला चम्मच, कोई भी धारदार चीज लेके नहीं जाने की, नेल कटर नहीं लेके जाने का, चम्मच कांटे वाला नहीं लेके जाने का, चाकू नहीं लेके जाने का, कोई भी धारदार चीज लेके नहीं जाने की। कुकर ले लेना, तो अगर आपका ग्रुप बन गया होगा कि हाँ भाई हम लोग 4-5 बंदे हैं, हमारी दोस्ती होगी, हम लोग साथ में रहेंगे, तो एक बड़ा 5 लीटर का कुकर आपके लिए सफिशियंट है। अगर आप अब भी सोलो हो तो 2 लीटर का कुकर लेके जाना। कुकर के अंदर के जो बर्तन है, जो छोटे छोटे बर्तन जिसमें अपन दाल बनाते चावल बनाते हैं, वो याद से लेके जाने हैं, क्योंकि उसका फायदा है, आप दाल चावल बना सकते हो कुकर के अंदर के बर्तन से। अगर आप वो अगर दाल चावल नहीं बना रहे तो आप उस बर्तन को किसी और चीज में यूज कर सकते हो, बर्तन बहुत काम आएंगे। आपकी जो चाय होगी उसके लिए आपको रेगुलर एक आपके अलग चाय की गंजी लेके जानी, चाय गाड़नी बोलते, जिससे चाय छन्नी, इस मराठी में लिखा होना सब। हाँ, एक सब्जी का चम्मच और एक दाल का चम्मच, एक सब्जी का चम्मच जिसको ऐसा थोड़ा बाउल टाइप होता है जिससे हम कड़ी वड़ी देते हैं, और एक दाल का चम्मच जिसका ऐसा एक प्लेन एंड होता है, या चावल चम्मच या दाल चम्मच, एक वुडन स्पून कैरी करना, पलटाने का नहीं, क्या वुडन स्पून, उससे आपके बर्तन पे जो आपके नॉन स्टिक पैन्स होंगे उस पर रैशेस नहीं आएंगे। रोटी अगर आप बनाओगे तो रोटी पलटाने का चिमटा लेके आने का। एक कुकवेयर का सेट होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, वो देख लो। उसमें एक बड़ा पैन आता तलने का, एक साधा पैन आता दोसे का, और एक चापट पैन आता एकदम रोटी वाला, और एक तड़के का पैन आता है, तो पूरा सेट ही आ जाता है 1-2 हजार में, पता नहीं कुछ, अब हम लोग तो लेके गए थे उस टाइम। ग्लास लेके जाने का, स्टील का अपना एक, फोर्सेप्स तो मैंने बोला, कोई फोर्सेप नहीं बोलना। बर्तन जो घसते हैं ना अपन, वहां मिल जाएंगे सब, लेकिन उतने अच्छे नहीं होते, जो इंडिया के होते हैं ना, तारी बोलते हैं अपन, घसनी या तारनी, ऐसे कुछ तारनी बोलते हैं, वो सिल्वर कलर की आती है, वो लेके जाना 2-3 अच्छी वाली बर्तन घसने के लिए। आपको लग रहा होगा अपन सिर्फ खाना वाना बनाना तो नहीं जा रही, ऐसा सामान बता रहा, लेकिन ये सब काम आएगा, अभी आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन बहुत काम की चीज है ये सब। बेलन, और जिसपे अपन रोटी बनाते ना, और पार्ट वो लेके जाना। अभी लगेज 2, जो आपकी सेकंड बैग होगी उसमें क्या डालना है, सॉक्स डालना है, यहाँ से 6 पेयर सॉक्स कंपलसरी सबने लेके जाने हैं, वहां धोने का किसी को टाइम नहीं होता है, बासी सॉक्स पहन के कोई आएगा नहीं, ठीक है। अंडरगारमेंट्स 6 पेयर्स कंपलसरी, लोअर्स लेके जाने हैं क्योंकि वहां लोअर्स थोड़े महंगे, लोअर्स लेके जाना 4 पेयर, शॉर्ट्स बरमूडा जो बोलते हैं अपन वो लेके जाना, टी शर्ट्स कैजुअल टी शर्ट जो होती है, स्पोर्ट्स शूज यहाँ से लेके जाना है, फिजिकल एजुकेशन की क्लास के लिए स्पोर्ट्स शूज कंपलसरी अच्छे लेके जाना, कैजुअल शूज या सेकेंडरी शूज, जो आप जब आप स्नो में से जाओगे और फिर आपको शूज चेंज करने पड़ेंगे, जब आप यूनिवर्सिटी क्लास के अंदर जाओगे ना, तो एक कैजुअल शूज होने चाहिए आपके पास में, वो लेके जाने का। गर्म ग्लव्स लेके जाना, गर्म ग्लव्स गर्म होते हैं, टोपरा लेके जाने का, स्कार्फ या मफलर लेके जाने का, एक हुडी लेने का अच्छी खासी गर्म वाली, वैसे भी आप यहाँ कपड़े की शॉपिंग करोगे पैसे देके तो वहां से अच्छे से कपड़े ले लो, फालतू वेट मत लेके जाओ। हाँ, 1-2 जींस कैरी करना, 1-2 शर्ट, और बाकी कपड़े मैं तो बोल रहा हूँ वैसे लेना, स्नो शूज कैरी करने की जरूरत नहीं है, और अनुभव या जो भी आपका होगा रीजन, वैसे स्नो शूज अच्छे लेना, स्नो शूज एक तो भारी भी होते हैं, आपको बहुत वेट कंज्यूम करेंगे, और अच्छे स्नो शूज अपने आप मिलेंगे नहीं। बेल्ट याद से लेके जाना, अच्छी स्कूल बैग लेके जाने का,
ट्रिमर यहाँ से लेके जाने का, वॉइस कटिंग थोड़ी महंगी, और थोड़ा सा बेसिक एक सीख के और ट्रिमर कैसे यूज करते हैं। सोप शैम्पू जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई फेवरेट सोप होगी, फेवरेट यहाँ पे शैम्पू होगी जो आपके बालों को सूट होती है, आपका फेवरेट डिओडेंट हो गया, ये बॉडी वॉश हो गया, वो लेके जा सकते हो। 4 से 5 ब्रश ले लेना, ब्रश महंगे है, 120 रुपये का एक ब्रश है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। कंघी लेके जाना, हेयर ऑयल नहीं मिलता, हेयर ऑयल लेके जाना जो हेयर ऑयल लगाता है। डिओड्रेंट मैंने बोल दिया, फेस वॉश बहुत महंगा है ज्यादा, तो कैरी कर लेना कम से कम 2-3 फेस वॉश कैरी कर लेना, गार्डनर के गार्ड मतलब जो भी आपके रिस्पेक्टिव आप यूज करते होंगे। मोबाइल के टेम्पर्ड ग्लास 2 कैरी करने का, फूट गया दूसरा वहां मिलेगा नहीं, वहां पर टेम्पर्ड ग्लास नहीं मिलता, तो कम से कम 2 टेम्पर्ड ग्लास कैरी कर लेना। एक ये जो केबल होती है ना आपकी मोबाइल की, एक एक्स्ट्रा कैरी करना, क्योंकि जैसे किसका वन प्लस का मोबाइल होगा ना, उसको ओरिजिनल केबल नहीं मिलेगी, वन प्लस की केबल नहीं मिलती। ईयरफोन अच्छे वाले ईयरफोन सबके पास होती है। फोन स्टैंड बेसिक सा स्टैंड कैरी करना, आपने अंदर बेड पे रख दिया लगा के, तो आप पढ़ सकते हो डायरेक्ट देख के। जिनको चश्मे है वो चश्मे एक्स्ट्रा कैरी करना, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ चश्मे कैरी करना, चश्मे बहुत महंगे हैं चश्मे। रुमाल कम से कम 12 रुमाल कैरी करना, मेरी तो बहुत घूम जाती है। थर्मल एक पैर इनफ है, ज्यादा लेके जाने की जरूरत नहीं है, हमारे अब तो उतनी ठंडी नहीं पड़ती, लेकिन थर्मल मेरे हिसाब से एक फुल स्लीव वाला, एक हाफ वाला और एक फुल पैंट वाला थर्मल लेके जाने का। टॉवल बोल दिया, बेडशीट अगर आपकी कोई फेवरेट बेडशीट होगी, जो ज्यादातर गर्ल्स की होती है, जो गुलाबी गुलाबी बेडशीट होती है या बारबी डॉल की, ऐसे वैसे डॉल जो भी डॉल होगी, तो बेडशीट अगर आपको अच्छी लगती होगी तो लेके जाना। फेस्टिव वियर, हाँ फेस्टिव वियर कपड़े का मैं बोल दे रहा हूँ, कपड़े का एक पूछा था भाई बंदे ने क्वेश्चन, तो कुर्ता पजामा 2 पीस लेके आने का, जिसको ब्लेजर लेके जाना है ब्लेजर लेके आ सकते हो, जो भी आपका फेस्टिव वियर है अच्छे कपड़े है लेके आ सकते हो, ब्लेजर कंपल्सरी नहीं है, इनकेस इफ यू विश टू ब्रिंग अलॉन्ग विथ यू यू कैन ब्रिंग। हाँ फॉर्मल शूज लेके आने का, एप्रन इफ पॉसिबल, मतलब एप्रन अगर आपने सिलवा लिया तो लेके आओ 2 एप्रन, नहीं तो फिर वहां से मिल जाएंगे, वहां मिल जाएंगे एप्रन। मास्क भी यही से लेके जाना है, मास्क वहां महंगे हैं, तो अभी आपको ट्रैवलिंग में लगेंगे, तो इसलिए अच्छे खासे मैं तो बोल रहा हूँ कम से कम 10-10, 15-15 मास्क अपने पास रख लो। सैनिटाइजर की बॉटल स्प्रे वाली सैनिटाइजर कैरी करना, याद से कैरी करना। मेडिसिन बॉक्स बोले तो छोटा सा ऐसा बॉक्स जिसमें आपकी रेगुलर कुछ दवाइयाँ होंगी, जो आपको मेडिकेशन, जो आपकी कोई अगर मेडिकेशन पे होगा तो वो मेडिकेशन कैरी मेडिसिन कैरी कर सकते हैं। विक्स पैरासिटामॉल जो भी रेगुलर दवाई होती है सर्दी की खांसी की, जिसको मुंह पे छाली आती है, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव मेडिसिन है वो कैरी करने का ट्राई करना, कि लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग डेट और लेट एक्सपायरी डेट वाली कैरी करो, मतलब जो अभी नया स्टॉक है ना वो कैरी करना, ताकि ज्यादा देर चलेंगे। बेसिक लॉजिक है, बुक्स तो बता दिए, डाल दो नीचे बुक्स के नाम, ठीक है। तो ये थी वीडियो। हाँ, और कोविड इंश्योरेंस बताया शायद आपको 30 दिनों वाला, तो याद से कोविड इंश्योरेंस करना जिसकी 30 दिनों तक या ऐसा कुछ बोला है आपको, ठीक है। तो प्लीज वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ, ठीक है। और जाओ खुशी खुशी जाओ, हैप्पी जर्नी, मार्च एंडिंग तक जाओगे अभी शायद आप, ठीक है, एज पर सोर्सेस, ठीक है। तो बाय और राम राम।